Hey everyone, welcome back to my channel. I am Neha and welcome back to my channel Beauty with Neha. So in आज की वीडियो में मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ basically how I usually do my makeup when I am going to the office. ऑफिस में क्या होता है कि आप ज़्यादा मेकअप नहीं कर सकते बट लाइट लाइक बेसिक जो होती है लाइक आई हैव डार्क सर्कल्स तो मैं थोड़ी सी लाइक लाइट फाउंडेशन लगाती हूँ. लाइट फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ मेबेलिन का जो फिट मी फाउंडेशन होता है वो मेरे पास लाइक दिस इज माय लाइक गो टू फाउंडेशन. तो उससे मैं अपने फेस पे डॉट 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 कर दूंगी. अंडर आईज पे थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी बिकॉज आई हैव डार्क सर्कल्स. उसके बाद उसे ही पूरे फेस में अच्छे से मैं अपने फेस पे उसे ही लगा लूंगी ताकि जो भी पिगमेंटेशन है मेरे फेस पे वो सारे छुप जाए बट स्टिल एट द सेम टाइम फाउंडेशन जो केकी ना लगे, काफ़ी फ्लॉलेस लगे, काफ़ी स्मूथ लगे. बट नो मेकअप मेकअप लुक. बेसिकली जब हम लोग ऑफिस जाते हैं एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू द कॉलेज तो हमें नो मेकअप मेकअप लुक चाहिए ताकि मेकअप ज़्यादा लगे ना. बट हाँ थोड़ा बहुत लगा ऐसा लगे लेकिन ज़्यादा ना लगे. बट स्टिल इन रियल लाइफ यू हैव अप्लाइड ईच एंड एवरीथिंग बट लिटिल लिटिल नॉट दैट मच. तो यहाँ पे जो मेरा फाउंडेशन पूरी तरह से आई गेस हो चुका है. तो फाउंडेशन के बाद मैं जो भी लाइक आईलिड पे हैं वो भी मैं आईलिड पे फाउंडेशन ही लगाऊंगी बिकॉज आई एम गोइंग टू अप्लाई आई शेडो एज वेल. नेक को नेवर फॉरगेट नेक. यू ऑलवेज शुड अप्लाई फाउंडेशन ऑन योर नेक एज वेल. सो या आई थिंक आई एम डन विथ माई फाउंडेशन. सो नेक्स्ट ऑफ आई एम गोइंग टू यूज द मैक का कॉम्पैक्ट. मैक का जो कॉम्पैक्ट होता है स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट. सो आई एम गोइंग टू यूज इट टू फिक्स माई बेस ताकि जो केकी ना लगे एट द सेम टाइम क्रीज ना करे मेरी अंडर आईज. ऑयली ना लगे क्योंकि ऑयली लगने लगता है और अभी क्या बहुत ज़्यादा समर लाइक गर्मी लग रही है यहाँ पे. एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ऑफकोर्स वो एस मैच बॉक्स का मेरा गो टू आई शेडो पैलेट. मतलब जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ, जब मैं कॉलेज भी जाती थी तो मैं ऑलवेज लाइक मेरा गो टू जो भी प्रोडक्ट होता था मैं ऑलवेज उसे इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था. उसके साथ मैं ज़्यादा लाइक आप जब ऑफिस जाते हो या कॉलेज जाते हो तो आप मेकअप के साथ ज़्यादा प्ले नहीं करना चाहते हो. वेन एवर यू आर गोइंग टू पार्टी यू कैन डू इट, देयर इज नो एनी इशू. ओके तो उसके बाद मैं आई शेडो अप्लाई करूंगी अपनी पूरे आईलिड पे क्योंकि मैं एक ही शेड अप्लाई करने वाली हूँ और सेम आई शेडो को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी. ओके तो एक्चुअली स्मैच बॉक्स के जो आई शेडो पैलेट में मिरर होता नहीं है बट थोड़ा बहुत जितना भी दिखता है मैं उसी के इस्तेमाल से फटाफट इस्तेमाल करके लगा लेती हूँ क्योंकि सुबह मुझे ड्रेस पहनना, हेयर करना, मेकअप करना, ईच एंड एवरीथिंग मुझे 10 मिनट में करना होता है. मैं चाहती हूँ कि मैं सारा कुछ 10 मिनट में हो जाए ताकि 10 मिनट में मैं ब्रेकफास्ट खा लूँ और मैं फटाफट आधे घंटे में तैयार व्यार होकर नहावा कर निकल लूँ. उसके बाद मैंने अप्लाई किया है ये लोटस का लिप ग्लॉस क्योंकि ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगा नहीं सकते. उसके बाद मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ ये है बेनिफिक का जो मस्कारा है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि मस्कारा आईलाइनर लगाना थोड़ा सा ओवर हो जाता है, कभी कभी चलता है बट मस्कारा लगा सकते हो क्योंकि वो उतना ज़्यादा ओवर नहीं होता. तो मस्कारा मैं लगाऊंगी अपने लोअर जो भी मेरे बॉटम आई लैशेस हैं एंड मेरे अपर आई लैस हैं इन दोनों पे मस्कारा अच्छे से लगा लेती हूँ. लेकिन मस्कारा लगाते टाइम मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ और बेस लगाते टाइम भी मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए. बेस खराब हो गया केकी लगेगा फाउंडेशन फेस केकी लगेगा और अगर मस्कारा खराब हो गया तो आप पांडा बन जाओगे. दैट इज़ द प्रॉब्लम क्योंकि आप अगर ऑफिस जा रहे हो तो यू वॉन्ट टू लुक क्लीन ना कि पांडा. या सो आई थिंक आई एम डन विथ माई बेनिफिट का मस्कारा और ये मस्कारा काफ़ी सूख भी गया है, मुझे दूसरा भी बाय करना पड़ेगा बट या आई एम डन. या एंड नेक्स्ट ऑफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द बेनिफिट का जो आईब्रो जिंग ब्रो होता है वो मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ. उसी में जो एक ब्रश आता है मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ. मैं कोई एक्स्ट्रा ब्रश इस्तेमाल नहीं करती हूँ एक्चुअली क्या एक्स्ट्रा ब्रश मेरे पास ज़्यादा है भी नहीं तो टू बी ऑनेस्ट. तो मैं उसी से जो भी है नेचुरली मैं अपने ब्राउज को फिल करूंगी, जो भी गैप्स है मैं उसे ही फिल करूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एक फेक जो आईब्रो लगाते हैं तो पार्टी वगैरह में अच्छा लगता है एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द डेट तो उस टाइम अच्छा लगता है बट ऑफिस में नहीं. सो नेक्स्ट ऑफ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस नायका का लिपस्टिक. इसे मैं थोड़ा सा अपने लिप्स पे अप्लाई करूंगी क्योंकि मेरा फेस एक्चुअली इस लिप ग्लॉस के साथ काफी डल लग रहा था. उसके बाद मैं उसे ही लिप्स से लेकर अपने चीक पे भी अप्लाई कर लूंगी एज अ माई ब्लश ऑन क्योंकि हल्का फुल्का ब्लश ऑन लगाऊंगी ताकि वो थोड़ा सा नेचुरल इफेक्ट दे. और मैं चिक पे लगाने के साथ साथ मैं अपने नोज पे भी लगाऊंगी ताकि वो बहुत ज़्यादा क्लीन और फ्रेश लुक देता है. और जो भी है मैं अपने लाइक
लिप्स पे मैं उसे अच्छे से लगा लूंगी जो भी बचा खुचा है, और जो बचा है मैं फेस से अपने गालों पे लगा लूंगी या एज माई ब्लशर एंड नोज पे लगा लूंगी, काफी फ्रेश लुक देता है। सो आई थिंक आई एम डन विथ माई मेकअप या नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू माई हेयर स्टाइल। मैं बहुत बेसिक हेयर स्टाइल करती हूँ जब मैं ऑफिस जाती हूँ, तो जस्ट मैंने पार्टी किया साइड पार्टी एंड देन थोड़ी थोड़ी बाल लेकर ट्विस्ट करके उसे अंदर की साइड से मैं उसे पिनअप कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ माई बॉबी पिन। मैं दोनों साइड दो दो बॉबी पिन लगाती हूँ ताकि अगर एक खुल जाए तो दूसरा बचाने को, अदरवाइज फिर से बाल खोल कर फिर से बनाना पड़ता है। और आप बाहर जाते हो तो यू वॉन्ट टू डू योर ओन जॉब, ना कि आप अपने मेकअप पे और लुक पे ध्यान देते हो। तो एक साइड का तो हो गया, दूसरी साइड का भी मैं सेम काम करूंगी, लाइक मैं थोड़ा सा बाल लूंगी उसे ट्विस्ट करूंगी और अंदर की साइड से मैं उसे बॉबी पिन से सिक्योर कर लूंगी। उसके बाद जो है मेरा बाल थोड़ा सा रह गया तो मैं थोड़ा सा एक बार और मुझे बॉबी पिन लगाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा और बाल लूंगी उसे सेम मैं वैसे ही ट्विस्ट करूंगी एंड आई विल सिक्योर इट विद द बॉबी पिन। ओके सो तो ये था, बहुत ही सिंपल है, आप 10 मिनट में सुबह तैयार हो सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो या आई एम डन विद माई हेयर एंड दिस इज माई फाइनल लुक यू गाइज। ये ब्लेजर जो है आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो ये जो है ब्लेजर मैंने नया बाय किया है, सो डेट इज आई शो यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।